नमस्कार मरम छात्र छात्री मोर यूट्यूब चेनेल एडुकेटामल तुम लोग स्वागत जानसो आज भिडिओटित आम क्लास टेनर हिंदी इलेक्टिव जी दु नम्बर लेसन आए तार प्रश्न उत्तर आलोचना करम आशा करूँ भिडिओटे तुम लोग उपकृत करिडिओ चाय भल पा तैयार लाइक करा क्या नजना थे कमेन्ट करा और चेने भिडिओबूर शेयर करा मोर चेनेल सबसक्राइब कर नपहरबा अहाँ भिडिओटे आरम्भ करूँ प्रथम प्रश्न तो सही विकल्प का चयन करूँ शुद्ध उत्तर तो बासी उलिया दी क नम्बर बाबू जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था जयशंकर प्रसाद जन्म होता जन्म हुआ था कत जन्म होती काशी में इलाहाबाद में पटना में जयपुर में यार आंसर तो हम काशी में काशी तो जन्म होती। नेक्स्ट ख नम्बर प्रश्न तो जयशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक जीवन किस नाम से आरम्भ हुआ था जयशंकर प्रसाद साहित्यिक जीवन कि नाम आरम्भ हो यार आंसर तो विद्याधर नाम से कलाधर नाम से ज्ञानधर नाम से करुणाधर नाम से यार आंसर तो हम आ तो हम कलाधर नाम से। नेक्स्ट ग नम्बर तो आए प्रसाद जी का देहवसान हुआ था मृत्यु कि सन 1937 इन मे जी इ नम्बर आज 1937 मृत्यु। नेक्स्ट प्रश्न कार्निवल के मैदान में लड़का चुपचाप किसको देख रहा था कार्निवल पथार जो माने मेला चलि तक लाजने का चाहे शरबत पीने वालों को जीवन मानुए शरबत खाई सब चाहे कारण कि लाजर हाथ कैसा ना। नेक्स्ट प्रश्न लड़के को जादूगर का कौन सा खेल अच्छा मालूम हुआ हे लाजने जादूगर कौन तो खेल भल पाले यार आन्सार तो हम खिलौनों ऊपर निशाना लगाना जी खेला बस्तु निशाना लगभग लगे जी खेल आई खेल तो भल पासी। आको एबार सबा प्रथम प्रश्न तो जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था को जन्म होइसिले काशी में काशीत। नेक्स्ट जयशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक जीवन कलाधर नाम से शुरू हुआ प्रसाद जी का देहावसान 1937 में कार्निवल के मैदान पर लड़का सुपसाद शरबत पीने वालों को देख रहा था और कौन तो खेल तो भल लगे खिलौनों पर निशाना लगाना। नेक्स्ट दु नम्बर प्रश्न पूर्ण वाक्य में उत्तर दो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित प्रथम कहानी का नाम क्या है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित प्रथम कहानी तो नाम कि आसे जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित प्रथम कहानी का नाम है ग्राम रचना कर प्रथम कहानी तो आसे ग्राम। प्रश्न तो सोधा से जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित प्रथम कहानी का नाम क्या है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित प्रथम कहानी तो नाम कि आसे जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित प्रथम कहानी का नाम है ग्राम जयशंकर प्रसाद रचना कर प्रथम कहानी तो नाम कि आसे ग्राम मन रखा इम्पर्टेन्ट प्रश्न है परीक्षा जिकोन परीक्षा छमहिया बस छमहिया जो फाइनल मेट्रिक परीक्षा है तुम लोग क्या ना परीक्षा प्रश्न तो देखा। नेक्स्ट प्रश्न प्रसाद जी द्वारा रचित महाकाव्य का नाम बताओ प्रसाद जी कि बहुमुखी प्रतिभा बहुत मैं सकोधरण बस्तु रचना उपन्यास रचना कर तार पिछत कहानी रचना करिसिले तार पिछत काव्य रचना करिसिले यार उपरियो तेउ महाकाव्य रचना करिसिले हे महाकाव्यखनर नाम कि हुदिसे प्रसाद जी द्वारा रचित महाकाव्य का नाम है लहर और कामायनी तेउर रचित महाकाव्यर नाम हल लहर और कामायनी। प्रश्न तो दिसे प्रसाद जी द्वारा रचित महाकाव्य का नाम बताओ प्रसाद जी द्वारा रचित महाकाव्यर नाम लिखिबले कइसे मन रखा एक बारे सहज प्रसाद जी द्वारा रचित महाकाव्य का नाम है लहर और कामायनी लहर और कामायनी मन रखा। नेक्स्ट ग नम्बर प्रश्न तो ऐसे लड़का जादूगर को क्या समझता था हे लड़ाजने जादूगरक जादूगरजनक कि भाषे मैंने कि ज्ञान कर लड़का जादूगर को निकम्मा समझता था हे लड़ाजने जादूगरक कि भाषे निकम्मा एलेहुआ भाषे क्यों जादूगर कोनो काम नासिले एने जादू देखुआ थका तो काम किन्तु लराजने हेतु बयखत 13 बसरिया लराजने जिखिनी काम करिसिले हेखिनी काम लैसिले असलते जादूगरर कामखिनी एलेहुआ जने लागिसिले आरो हेतु कारणे लराजने जेतिया लिखकक लग पाइसिले बाबू जयशंकर प्रसाद लिखकक जेतिया लग पाइसिले तेतिया कइसिले जे जादूगरक देखिले निकम्मा जन लागे। नेक्स्ट प्रश्न लड़का तमाशा देखने पर्दे में क्यों नहीं गया था हे लराजने खेल सबले पर्दा खेल सबले क्यों जो ना
तमाशा देखने के लिए टिकट लगता है, इसलिए लड़का तमाशा देखने नहीं गया था। हे जी खेल खेल चलि सबले कि लगे टिकट लगे टिकट काटिबलगिया है और सेकारने लराजने खेल सबले जा ना। लड़का तमाशा देखने के लिए क्यों पर्दे में क्यों नहीं गया, लराजने खेल सबले पर्दार ऊर क्यों जा ना, तमाशा देखने के लिए टिकट लगता है इसलिए लड़का तमाशा देखने नहीं गया था, सेकारने लराजने खेल सबले जा ना। नेक्स्ट प्रश्न, श्रीमान ने कितने टिकट खरीद कर लड़के को दिए थे। श्रीमान जने जिजने कहानी तो लिखी जब श्रीमान बुली कह मानुजन सीजने लिखक किमान टिकट किनी लराजनक दी। श्रीमान ने 12 टिकट खरीद कर लड़के को दिए थे। श्रीमान कईटा टिकट किनी 12 टिकट किनी लराजनक दी। प्रश्न तो आको बार चबा, श्रीमान ने कितने टिकट खरीद कर लड़के को दिए थे। श्रीमान किमान टिकट किनी लराजनक दी। श्रीमान ने 12 टिकट खरीद कर लड़के को दिए थे। श्रीमान 12 टिकट किनी लराजनक दी। श्रीमान ने 12 टिकट खरीद कर लड़के को दिए थे। श्रीमान 12 टिकट किनी लराजनक दी। नेक्स्ट प्रश्न, लड़के ने हिंदोले से अपना परिचय किस प्रकार दिया था। ये जे ऊपर झूलना ऊपर उठी एक बारे चकार निचिना घूरी थका एकदम ऊपर उठी थकूते लराजने लिखकक परिचय कि बुली दिसिले। लड़के ने हिंदोले से अपना परिचय छोटा जादूगर कहकर दिया था। हे चकार पर ऊपर पर लराजने निजर परिचय छोटा जादूगर बुली कह दिसिले। लड़के ने हिंदोले से अपना परिचय क्या कह किस प्रकार दिया था। लड़के ने हिंदोले से अपना परिचय छोटा जादूगर कहकर दिया था। निजके कैसे माति श्रीमान बुली और तार पिछत कैसे मैं हूँ छोटा जादूगर बुली कह निजर परिचय दिसिले। नेक्स्ट प्रश्न आसे, बालक छोटा जादूगर को किसने बहुत ही शीघ्र चतुर बना दिया था। ये लराजन जीजने निजके कि बुली कैसे छोटा जादूगर बुली कैसे तो कि है इमान चतुर बनाइसिले कार कारणे तो इमान चतुर होइसिले। बालक छोटे जादूगर को आवश्यकता ने बहुत शीघ्र चतुर बना दिया था। ए बालक छोटा जादूगरक आवश्यकता माने किबा किबि प्रयोजनीयता कि करिसिले बहुत हुनकाले चतुर बनाय पेलाइसिले। बालक छोटे जादूगर को आवश्यकता ने चतुर बना दिया था। नेक्स्ट प्रश्न, श्रीमान कलकत्ते में किस अवसर पर छुट्टी बिता रहे थे। ए श्रीमान कलिकता कि कारण कि उपलक्षे माने छुट्टी पाए तो कलिकता गई मैं छुट्टी अवसर बनोदन छुट्टी कलिकता काटी। श्रीमान कलकत्ते में बड़े दिन की छुट्टी बिता रहे थे। श्रीमान जने कलिकता बड़े दिन डांगर दिन बरदिन छुट्टी माने छुट्टी पार कर। श्रीमान कलकत्ते में बड़े दिन की छुट्टी बिता रहे थे। श्रीमान जने कलिकता बड़े दिन बड़ा दिन छुट्टी काटी। नेक्स्ट, सड़क के किनारे कपड़े पर सजे रंगमंच पर खेल दिखाते समय सोते जादूगर की बानी में स्वभाव सुलभ प्रसन्नता की तरी क्यों नहीं थी। रास्तार किनारत कपूरे सजा रंगमंच खेल दिखाई थकूते सोते जादूगर कथा स्वभाव सुलभ प्रसन्नता क्यों ना। माँ के बीमारी के कारण सड़क के किनारे कपड़े पर रंगमंच पर खेल दिखाते समय सोते जादूगर की बानी में स्वभाव सुलभ प्रसन्नता की तरी नहीं थी। माकर बेमारर कारण रास्तार ऊर कपूरे सजा रंगमंच खेल देखा थका समय सोता जादूगर कथा कि ना एने कथा जी प्रसन्नता थके स्वभाव सुलभ जी प्रसन्नता थके प्रसन्नता ना। सड़क के किनारे कपड़े पर सजे रंगमंच पर खेल दिखाते समय सोते जादूगर की बानी में क्यों प्रसन्नता नहीं थी। कारण माँ के बीमारी के कारण माकर बेमार कारण प्रसन्नता ना। नेक्स्ट प्रश्न, मृत्यु से ठीक पहले सोते जादूगर की माँ के मुंह से कौन सा अधूरा शब्द निकला था। मृत्यु आगे आगे सोता जादूगर माकर मुखर पर आधा कोई कौन शब्द उलाइसिले। मृत्यु से ठीक पहले छोटे जादूगर की माँ के मुंह से बेटा बे अधूरा शब्द निकला था। मृत्यु आगे आगे छोटा जादूगर माकर मुखर पर कौन शब्द उलाइसिले बेटा बे। मृत्यु से ठीक पहले छोटे जादूगर की माँ के मुंह से बेटा बे अधूरा शब्द निकला था। मैंने
যেটা যেতিয়া ছটা যাদুগৰ মানে তেওঁ খেল দেখুৱাইছিলে, তেতিয়া ঘৰলৈ আহিছিলে, আহি মানুহৰ ফি দেখিছিলে আৰু ঘৰত সোমাই মাকে বে বুলি কৈছিলে, তাৰপিছত তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিলে। নেক্সট, অতি সংক্ষিপ্ত উত্তৰ দিওঁ, একদম সংক্ষেপতে উত্তৰ দিবলৈ দিছে। বাবু জয়শংকৰ প্ৰসাদ কে বহুমুখী প্ৰতিভা কা পৰিচয় কিন ক্ষেত্ৰমে মিলতা হে? বাবু জয়শংকৰ প্ৰসাদৰ বহুমুখী প্ৰতিভা, মই আগতে কৈছিলোঁ তেওঁৰ প্ৰতিভা বহুমুখী আছিলে, প্ৰতিভাৰ পৰিচয় কি কি ক্ষেত্ৰত পোৱা যায়? বাবু জয়শংকৰ প্ৰসাদ কি বহুমুখী প্ৰতিভা কা পৰিচয় কাব্য, মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, উপন্যাস, নাটক, কবিতা, কাহানী আদি মে মিলতা হে? বাবু জয়শংকৰ প্ৰসাদৰ বহুমুখী প্ৰতিভাৰ পৰিচয় কাব্য, মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, উপন্যাস, নাটক, কবিতা, কাহিনী আদিত পোৱা যায়। বাবু জয়শংকৰ প্ৰসাদ কি বহুমুখী প্ৰতিভা কা পৰিচয় কিন ক্ষেত্ৰমে মিলতা হে? কি হ'ব? বাবু জয়শংকৰ প্ৰসাদ কি বহুমুখী প্ৰতিভা কা পৰিচয় কাব্য, মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, উপন্যাস, নাটক, কবিতা, কাহানী আদি মে মিলতি হে? তেওঁৰ বহুমুখী প্ৰতিভাৰ পৰিচয় ক'ত পোৱা যায়, তাৰমানে তেওঁ কি কি ইমান ৰচনা কৰিছিলে ক'ত পোৱা যায়? কাব্য, মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, উপন্যাস, নাটক, কবিতা, কাহিনী আদি সকলো ক্ষেত্ৰতে তেওঁৰ পাৰদৰ্শিতা আছিলে। নেক্সট, শ্ৰীমানে ছোটে যাদুগৰ কো পেহলি ভেদ কে দৌৰান কিছ ৰূপ মে দেখা থা? শ্ৰীমানে ছোটা যাদুগৰক প্ৰথম যেতিয়া দেখিছিলে কি ৰূপত দেখিছিলে? শ্ৰীমানে জব পেহলি বাৰ ছোটে যাদুগৰ কো দেখা তো ৱহ এক ফটা কুৰ্তা পেহনা হোৱা থা আৰু উচকে ওপৰ এক মোতি চি সূত কি ৰছি পৰি হুই থি আৰু জেব মে কুচ তাছ কে পত্তে থে। শ্ৰীমানে যেতিয়া প্ৰথমবাৰ ছোটা যাদুগৰক দেখিছিলে কি আছিলে, তেতিয়া কি হৈছিলে, সেই ছোটা যাদুগৰে কি এটা ফটা কুৰ্তা পিন্ধি আছিলে আৰু সেইটোৰ ওপৰত এডাল মোটা ডাঙৰ ৰছী এডাল, চুটৰ ৰছী এডাল আছিলে আৰু তেওঁৰ জেপত কেইখনমান পাঁচ পাত আছিলে। শ্ৰীমানে জব পেহলি বাৰ ছোটে যাদুগৰ কো দেখা তো ৱহ এক ফটা কুৰ্তা পেহনা হোৱা থা আৰু উচকে ওপৰ এক মোতি চি সূত কি ৰছী পৰি হুই থি আৰু জেব মে কুচ তাছ কে পত্তে থে। শ্ৰীমান নে জব পেহলি বাৰ ছোটে যাদুগৰ কো দেখা তো ৱহ এক ফটা কুৰ্তা পেহনা হোৱা থা আৰু উচকে ওপৰ এক মোতি চি সূত কি ৰছী পৰি হুই থি আৰু জেব মে কুচ তাছ কে পত্তে থে, আৰু জেপত তাছ পাত কেইখিলামান তাছ পাত আছিলে। নেক্সট প্ৰশ্ন, ৱহা যাকৰ কিয়া কিজিয়েগা? ছোটে যাদুগৰ নে এছা কব কহা থা? ছোটে যাদুগৰ নে শ্ৰীমান চে কহা থা কি ৱহ পৰ্দে মে নহীঁ যা সকতা কিউকি ৱহা পৰ টিকট লগতা হে। তব শ্ৰীমান নে কহা কি ৱহ উচে পৰ্দে পৰ লে যায়েগা, তবি ছোটে যাদুগৰ নে কহা থা ৱহা যাকৰ কিয়া কিজিয়েগা? ছোটে যাদুগৰে এই ৱহা কিয়া কিজিয়ে, ৱহা যাকৰ কিয়া কিজিয়েগা, তাত গৈ কি কৰিব, এই কথাটো কেতিয়া কৈছিলে? যেতিয়া শ্ৰীমানে ছোটে যাদুগৰক সুধিছিল যে তেওঁ খেল চাবলৈ কিয় যোৱা নাই, তেতিয়া ছোটা যাদুগৰে কৈছিলে যে তাত যাবলৈ টিকট লাগে, আৰু শ্ৰীমানে যেতিয়া কৈছিলে যে তেওঁ টিকট কাটি ছোটা যাদুগৰক খেল চাবলৈ লৈ যাব, তেতিয়া ছোটা যাদুগৰে কৈছিল যে ৱহা যাকৰ কিয়া কিজিয়েগা। ছোটে যাদুগৰ নে শ্ৰীমান চে কহা থা কি ৱহ পৰ্দে মে নহীঁ যা সকতা কিউকি ৱহা পৰ টিকট লগতা হে। তব শ্ৰীমান নে কহা কি ৱহ উচে পৰ্দে পৰ লে যায়েগা, তবি ছোটে যাদুগৰ নে কহা থা ৱহা যাকৰ কিয়া কিজিয়েগা, ছোটে যাদুগৰে কৈছিল যে তাত গৈ কি কৰিব। নিশানেবাজ কে ৰূপ মে ছোটে যাদুগৰ কি কাৰ্য কুশলতা কা বৰ্ণন কৰো? নিশানাবাজ, নিশানা লগোৱা, সেই নিশানাবাজ হিচাপত ছোটা যাদুগৰৰ কাৰ্যকুশলতাৰ বিষয়ে কেনেকুৱা আছিলে তেওঁ সেয়া বৰ্ণনা কৰিবলৈ দিছে। ছোটা যাদুগৰ এক পক্কা নিশানেবাজ থা, তেওঁ কি আছিলে, এজন পক্কা নিশানেবাজ আছিলে, মানে য'ত নিশানা লগাম বুলি ভাবিব তাতেই লাগিব। উচকা কৈ কেন খালী নেহি গেয়া, তেওঁৰ এটাও, যিমানকেইটা তেওঁ নিশানা লগাবলৈ যিমানকেইটা বল দলিয়াইছিল এটাও খালী নগ'লে। দেশ নেৱালে দংৰেহ গে, যিবিলাকে চাই আছিলে সেইবিলাক আচৰিত হৈ গৈছিলে। উচনে বাৰ খিলানকো বতৰ লিয়া, তেওঁ বাৰটা খেলা খেল না পাইছিলে আৰু কুচ আপনি ৰুমাল, কুচ আপনি ৰুমাল মে বান্ধে কুচ জেব মে ৰাখ লিয়া, আৰু কিছুমান তাৰ কি কৈছিল, কিছুমান ৰুমালেৰে বান্ধিছিলে আৰু কিছুমান জেপত থৈ দিছিলে। প্ৰশ্নটো সুধিছে, নিশানেবাজ কে ৰূপ মে ছোটে যাদুগৰ কি কাৰ্য কুশলতা কা বৰ্ণন কৰো? এনচাৰটো হ'ব, ছোটা যাদুগৰ এক পক্কা নিশানেবাজ থা, তেওঁ এজন পক্কা নিশানেবাজ আছিলে। উচকা কৈ গেন খালী নেহি গেয়া, তেওঁৰ কোনো এটা মানে নিশানাই খালী নগৈছিলে। দেখনে ৱালে ডাংৰেহ গেই, আৰু যোনে দেখিছিলে সেইবিলাক কি হৈ গৈছিলে, আচৰিত হৈ গৈছিলে।
कलकत्ते के बोटानिकल उद्यान में श्रीमान श्रीमती को छोटा जादूगर किस रूप में मिला था? कोलकाता बोटानिकल उद्यान श्रीमान श्रीमती छोटा जादूगर की रूप पाई। कलकत्ते की बोटानिकल उद्यान में श्रीमान श्रीमती ने जब छोटे जादूगर को देखा तो उसके हाथ में सरखाने की खादी का झोला था, साफ झंगिया था और आंधी बाहों का कुर्ता था। कोलकाता बोटानिकल उद्यान जितिया श्रीमान श्रीमती छोटा जादूगर देखी कि এখন মোনা আছিলে, খাদীৰ মোনা এখন আছিলে আৰু হাত কটা কুৰ্তা এটা আছিলে। কলকাতাকে বটানিকেল উদ্যান মে শ্ৰীমান শ্ৰীমতী কো ছোটা জাদুগৰ কিছ ৰূপ মে মিলা থা? কলকাতাকে বটানিকেল উদ্যান মে শ্ৰীমান শ্ৰীমতী নে জব ছোটে জাদুগৰ কো দেখা তো উসকে হাত মে সরখানে কি খাদী কা ঝোলা থা, সাপ জঙ্গিয়া থা আর আঁধি বাহো কা কুর্তা থা। कलकत्ते के बोटानिकल उद्यान में श्रीमान श्रीमती ने जब छोटे जादूगर को देखा तो उसके हाथ में सरखाने की खादी का झोला था, साफ जंगिया था और आंधी बाहों का कुर्ता था। मन रखा प्रथम तो मेला देखी तार पे कलिकतार बोटानिकल उद्यान छुट्टी पार कर छोटा जादूगरक लग पासी। नेक्स्ट प्रश्न, कलकत्ते के बोटानिकल उद्यान में श्रीमान ने जब छोटे जादूगर को लड़की कहकर संबोधित किया था तो उत्तर में उसने क्या कहा? कोलकाता बोटानिकल उद्यान श्रीमान ने जितिया छोटा जादूगर लड़ा बुली को संबोधन करिसिले तेतिया तार उत्तर छोटा जादूगर की कैसे? कलकत्ते के बोटानिकल उद्यान में श्रीमान ने जब छोटे जादूगर को लड़के कहकर संबोधित किया था उत्तर में उसने कहा था, छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है। कलिकतार बोटानिकल उद्यान श्रीमान ने जितिया छोटा जादूगरक लड़ा बुली को संबोधन करिसिल तेतिया कि छोटा जादूगर की कैसिल जे छोटा जादूगर बुली कौक एटुए मोर नाम है और एटुरे मोर जीविका चले। कलकत्ते के बोटानिकल उद्यान में श्रीमान ने जब छोटे जादूगर को लड़के कहकर संबोधित किया तो उत्तर में उसने क्या कहा? कलकत्ते के बोटानिकल उद्यान में श्रीमान ने जब छोटे जादूगर को लड़के कहकर संबोधित किया तो उत्तर में उसने कहा, छोटे जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है। कलकत्ता बोटानिकल उद्यान श्रीमान ने जितिया छोटा जादूगरक लड़ा बुली को संबोधन करिसिले तेतिया छोटा जादूगरे कैसिले जे छोटा जादूगर बुली कोक एटुए मोर नाम, लड़ा बुली कब नालागे, एटुए मोर नाम और एटुरे मोर जीविका चले। आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? इस प्रश्न के उत्तर में छोटे जादूगर ने क्या कहा? कॉलेज आज तुम्हारा खेल भाल क्यों नहोल ए प्रश्न तो उत्तर छोटा जादूगर की कैसे? आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? इस प्रश्न के उत्तर में छोटे जादूगर ने कहा, माँ ने कहा है कि आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। ये प्रश्न तो उत्तर छोटे जादूगर की कैसे? कैसे जे मोक माये कई पठिया से जे आज सोकाले आबा मोर मानने शेष समय आरसे। आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? आज तुम्हार खेल भाल क्यों नहल ए प्रश्न तो उत्तर छोटा जादूगर की कैसे? आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? इस प्रश्न के उत्तर में छोटे जादूगर ने क्या कहा था? ए प्रश्न तो उत्तर छोटा जादूगर की कैसे? आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? इस प्रश्न के उत्तर में छोटे जादूगर ने कहा, माँ ने कहा है कि आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। माये कैसे जे आज सोकाले गुसी आबा मोर অন্তিম সময় আহি পাইছে বা মোৰ শেষ সময় আহি পাইছে। সেইটো কাৰণে সেইদিনা ছোটা জাদুগৰৰ আগতে যিটো খেল যিমান ভাল হয় মানে বাকী সকলো ঠিকে আছিলে কিন্তু তেওঁৰ মুখত ছোটা জাদুগৰৰ মুখত যিটো ফূৰ্তি ভাৱ থাকে সেই ফূৰ্তি ভাৱটো নাছিলে। সেইকাৰণে লেখকে সেইখিনিকে কৈছিলে যে আজ তোমাৰ খেল জমা কিউ নাহি। নেক্সট প্ৰশ্ন, সংক্ষিপ্ত উত্তৰ দো, প্ৰসাদজীৰ কি কাহিনীও কি বিশেষতাও কা উল্লেখ কৰোঁ। প্ৰসাদজীৰ কাহিনীৰ বিশেষত্বসমূহ উল্লেখ কৰিবলৈ দিছে। प्रसाद जी की अधिकांश कहानियों में चारित्रिक उदारता, प्रेम, करुणा, त्याग, बलिदान, अतीत के प्रति मोह से युक्त भाव मूलक आदर्श की अभिव्यक्ति हुई है। उन्होंने अपने समकालीन समाज की आर्थिक विपन्नता, निरीहता, अन्याय और शोषण को भी कुछ कहानियों में चित्रित किया है। कि कैसे प्रसाद जी अधिकांश कहानी ते चारित्रिक उदारता, प्रेम, करुणा, त्याग, बलिदान, अतीतर प्रति मोह आदि भाव অভিব্যক্তি দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে। তেওঁ সমকালীন সমাজৰ আৰ্থিক বিপন্নতা, নিৰীহতা, অন্যায় আৰু শোষণৰ কিছু কথাও তেওঁৰ কাহিনীত চিত্ৰিত কৰিছিলে। প্ৰসাদজী কি কাহিনীও কি বিশেষতাও কা উল্লেখ কৰোঁ। প্ৰসাদজী কি অধিকাংশ কাহিনীও মে চাৰিত্ৰিক উদাৰতা, প্ৰেম, কৰুণা, ত্যাগ,
बलिदान अतीत के प्रति मोह से युक्त भावमूलक आदर्श की अभिव्यक्ति हुई है। उन्होंने अपने तत्कालीन समाज की आर्थिक विपन्नता, निरीहता, अन्याय और शोषण को भी कुछ कहानियों में चित्रित किया है। प्रसाद जी कहानी विलकत त्याग बलिदान करुणा उदारता प्रेम आदि पार समकालीन समाज चित्र देखने पा जाए। क्यों जी तुमने इसमें क्या देखा, तुम इतने कि देखा पैसा? इस प्रश्न के उत्तर में छोटे जादूगर ने किस प्रकार दिया था? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ ছোটা জাদুগৰে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ কেনেকৈ দিছিলে? ছোটে জাদুগৰে উত্তৰ দিয়া মেনে সব দেখা। ছোটা জাদুগৰে উত্তৰ দিছিলে যে মই সকলো দেখিছোঁ। ইয়াহা চুৰি ফেকতে হে, ইয়াত চুৰি দলিওৱা হয়, খিলনৰ ওপৰত নিচানে লগাতে হে, খেলা বস্তুবিলাকত নিচানা লগোৱা হয়, তীৰ চে নম্বৰ চেটতে হে, আৰু কাৰ মাৰি নম্বৰবিলাক ফুটোৱা হয়। মুঝেতো খিলনৰ ওপৰত নিচানা লগানা আচ্ছা মালুম হোৱা। মই এই খিলানাবিলাকত যি নিচানা লগাব লাগে সেইটো মই ভাল পাইছোঁ। যাদুগৰটো বিলকুল নিকম্মা হে, যাদুগৰজন একেবাৰে নিকম্মা হয়। উচে আচ্ছাটো তাছ কা খেল মে দেখা চকতা হওঁ, সেইজনতকৈ ভাল তাছৰ খেল মই দেখুৱাব পাৰোঁ। কিউ জি তুমনে ইচমেক কিয়া দেখা, ইচ প্ৰশ্নকে উত্তৰ মে ছোটে যাদুগৰনে কিছ প্ৰকাৰ দিয়া থা? মানে যেতিয়া লিখকে এইটো কথা কৈছিলে কিউ জি তুমনে ইচমেক কিয়া দেখা, এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ ছোটা যাদুগৰে কেনেকৈ দিছিলে? ছোটে যাদুগৰণে উত্তৰ দিয়া মেনে সব দেখা। ছোটা যাদুগৰে উত্তৰ দিছিলে যে মই সকলো দেখিছোঁ, ইয়াত চুৰি ফেকতে হে, ইয়াত চুৰি দলিওৱা হয়, খিলনৰ ওপৰত নিচানা লগাতে হে, খিলনাবিলাকত নিচানা লগোৱা হয়, যাদুগৰটো বিলকুল নিকম্মা হে, যাদুগৰটো একেবাৰে নিকম্মা হয়, উচে আচ্ছাটো তাছ কা খেল মে দেখা চকতা হওঁ। নেক্সট প্ৰশ্ন, আপনে মা বাপ চে সম্বন্ধিত প্ৰশ্নকে উত্তৰ মে ছোটে যাদুগৰণে কিয়া কহা থা? নিজৰ মাক দেউতাকৰ লগত সম্বন্ধীয় প্ৰশ্নৰ উত্তৰত ছোটা যাদুগৰে কি কৈছিলে? ছোটে যাদুগৰণে কহা থা কি উচকি মা বীমাৰ হে। ছোটা যাদুগৰে কৈছিলে যে তেওঁৰ মাকৰ বেমাৰ হৈছে। খেল তামাচা দেখা কাৰ যো পেছে মিলতা হে, উচে ৱ উনকি মা কা ইলাজ কৰতা হে। এনেকৈ খেল তামাচা দেখুৱাই যি পইচা পায় সেই পইচাৰে তেওঁ মাকৰ চিকিৎসা কৰে। উচকে বাপ দেশ কে লিয়ে জেল মে হে, তেওঁৰ দেউতা দেশৰ কাৰণে জেলত আছে। अगर उनकी माँ को कोई बीमारी ना होती तो वह भी जेल के लिए जरूर देश के लिए जरूर जेल जाता। यदि तेर माकर एक बेमार ना थकिले तो देशर कारण निश्चय जेल में गलहेन। अपने माँ बाप से संबंधित प्रश्नों के उत्तर में छोटे जादूगर ने क्या कहा? छोटे जादूगर ने कहा था कि उनकी माँ बीमार है। खेल तमाशा दिखाकर जो पैसा मिलता है उससे वह उसकी माँ का इलाज करता है। उसका बाप देश के लिए जेल में है। अगर उसकी माँ को कोई बीमारी न होती तो वह भी देश के लिए जरूर जेल जाता। यदि तेर माकर एक बेमार ना थकिले हेतेन तेतिया हले देउताके जेनेकै देखर कारणे जेल लै गैसे तेउ तेनेकै देखर कारणे जेल लै गोल हेतेन। श्रीमान ने 13-14 वर्ष के छोटे जादूगर को किस लिए आश्चर्य से देखा? लिखके 13-14 बसरिया छोटा जादूगर क्यों आचरित भावे चाइसिले? श्रीमान ने 13-14 वर्ष के छोटे जादूगर को आश्चर्य से देखा क्योंकि परिस्थिति के मांग से वह छोटा बालक अपने पैरों पर खड़ा हो गया। कारण परिस्थिति सपेक्षे हे सुर लड़ाजन निजर भरी ठिय होइसिले। उसकी मधुर व्यवहार, चतुराई, क्रिया कौशल, स्वाभिमान और मातृभक्ति ने श्रीमान के मन में गहरा प्रभाव डाला था। हे लड़ाजनर मधुर व्यवहार, चतुराई, क्रिया कौशल, स्वाभिमान और माकर प्रति थका भक्तिये लिखकर मनत गभीर प्रभाव पेलाइसिले। श्रीमान ने 13-14 वर्ष के छोटे जादूगर को किस लिए आश्चर्य से देखा? श्रीमान हे 13-14 बसरिया छोटा जादूगरक क्य आचरित भावे चाइसिले? श्रीमान ने 13-14 वर्ष के छोटे जादूगर को आश्चर्य से देखा श्रीमान हे 13-14 बसरिया छोटा जादूगरक आचरित भावे चाइसिले क्यों? परिस्थिति के मांग से वह छोटा बालक अपने पैरों पर खड़ा हो गया। परिस्थिति सपेक्षे हे लड़ाजन निजर भरी ठिय होइसिले, माने निजर काम निजे उपार्जन करि निजे खाबले शिकिसिले। उसकी मधुर व्यवहार, चतुराई, क्रिया कौशल, स्वाभिमान और मातृभक्ति ने श्रीमान के मन में गहरा प्रभाव डाला था। ये लड़ाजनर मधुर व्यवहार, चतुराई, क्रिया कौशल, स्वाभिमान और मातृभक्ति लिखकर मनत गभीर प्रभाव पेलाइसिले। नेक्स्ट प्रश्न, श्रीमती के आग्रह पर छोटे जादूगर ने किस प्रकार अपना खेल दिखाया? श्रीमती आग्रहत छोटा जादूगरे केनेकै निजर खेल देखुवाइसिले? श्रीमती के आग्रह पर छोटे जादूगर ने कार्निवल में खेल दिखा
कार्निवल में खेल दिखाना शुरू किया। श्रीमती आग्रहत श्रोता जादूगरे ही तात खेल देखुआबले आरम्भ करिसिल। खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। खिलौना जिबिला खेला बस्तु आसिले हेबिलाके श्रोता जादूगर खेल निजर अभिनय करिबले धरिसिले। भालू नाचने लगा, भालुकटे नाचिबले धरिसिले। बिल्ली रुथने लगी, बिल्लीटे अभिमान करि मेकुरीटे अभिमान करिसिले। बंदर घुरकने लगा, बंदरटे सिउरिबले धरिसिले। गुड़िया का ब्याह हुआ, पुतला तो बिया होइसिले गुद्दा बरबना आरो एटा पुतला डरा होइसिले। श्रीमती के आग्रह पर श्रोते जादूगर ने कार्निवल में ऐसे ही खेल दिखाया था। एनेकुए कार्निवल श्रोता जादूगर ने निजर खेल दिखाए। हावड़ा की ओर आते समय श्रोते जादूगर और उसकी माँ के साथ श्रीमान का भेद किस प्रकार हुई थी। हावड़ा ले आई थका रास्ता श्रोता जादूगर और तेर माकर लगत लिखक केनेक देखा देखी होइसिले। हावड़ा की ओर आते समय श्रीमान ने छोटे जादूगर और उनकी माँ को एक छोपड़ी के पास देखा था। हावड़ार फले आही थकुते लिखके श्रोता जादूगर और तेर माक एटा जुपुर ऊर देखी जुपुरी घर तर ऊर देखी। अस्पताल वालों ने श्रोते जादूगर की माँ को उस समय अस्पताल से निकाल दिया था। हॉस्पिटल मानुए हे समय श्रोता जादूगर माक हॉस्पिटल उलिये दिले और वह स्त्री थीथ्रो से लदी हुई काँप रही थी और हे महिला गोराके ठंडा कपिए। उन लोगों की हालत देखकर श्रीमान के आँखों से आंसू निकल पड़े। तेलुकर अवस्था देखा पाए लिखकर चकुरपरा चकुपानी ऊल्ह आसे तेलुकर एने अवस्था देखा पाए लिखकर चकुरपरा चकुपानी उलिया ऊल्हे। हावड़ा की ओर आते समय श्रीमान ने छोटे जादूगर और उनकी माँ को एक झोपड़ी के पास देखा। अस्पताल वालों ने छोटे जादूगर की माँ को उस समय अस्पताल से निकाल दिया था और वह स्त्री थीथ्रो से लदी हुई काँप रही थी। उन लोगों की हालत देखकर श्रीमान के आँखों से आंसू निकल पड़े थे। तेलुकर अवस्था देखी लिखक चकुरपरा चकुपानी ऊल्ह आसे। सड़क के किनारे कपड़े पर सजे रंगमंच पर श्रोता जादूगर किस मनस्थिति में और किस प्रकार खेल दिखा रहा था। रास्तार ऊर रंगमंच श्रोता जादूगरे कि मानसिक अवस्था और केने धरणे खेल देखुआसिले। सड़क के किनारे रंगमंच पर श्रोता जादूगर जो खेल दिखा रहा था वहाँ पर बिल्ली रूठ रही थी, भालू मनाने चला था, ब्याह की तैयारी भी थी, सब हो चला था, लेकिन उसकी वाणी में वह प्रसन्नता की तरी नहीं थी। जब वह औरों को हंसाने की कोशिश में था तब वह जैसे स्वयं कब जाता था क्योंकि उस दिन उसकी माँ ज़्यादा ही बीमार थी। रास्तार ऊर जी रंगमंच जो आसे तक छोटा जादूगरे खेल देखुआसिले जो सही मेकुरीटे अभिमान कर भालुकटे नाची आसे और बार सको प्रस्तुति मानने पुतलार बार सको प्रस्तुति सब होती बाणी श्रोता जादूगर बाणीत प्रसन्नता नासी जी सदा बाणी आसा बेलेगक हहुआबले चेस्ा करयते कि निजे कपि उठी एने चकुर चकुपानी ऊल् कारण सीदिना माकर बेमार बेसिदा माकर बेमार बेसिण अवस्था श्रोता जादूगरे रास्तार ऊर रंगमंच खेल देखुआसिले। छोटे जादूगर और उसकी माँ के साथ श्रीमान के अंतिम भेद का अपने शब्दों में वर्णन करो। छोटा जादूगर और तेर माकर लगत लिखकर शेष देखा देखी तो निजर भाषा वर्णना करिबले। अंतिम भेद में जब श्रीमान ने छोटे जादूगर को देखा तो वह सड़क पर खेल दिखा रहा था। शेषर बार जैसे श्रीमान ने छोटा जादूगर देखी तो रास्तार ऊर खेल देखुआसिले। श्रीमान के साथ ही छोटा जादूगर घर पर गया और घर पर जाने की कुछ समय के बाद ही उसकी माँ की मृत्यु हो गई। श्रीमान लगते छोटा जादूगर घर ले गए और घर ले जा किसु समय पीछते तेर माकर मृत्यु छोटा जादूगर और तेर माकर श्रीमान शेष जी देखा देखी यूर विषय लिखे आको एबार सबा। अंतिम भेद में जब श्रीमान ने छोटे जादूगर को देखा तो वह सड़क पर खेल दिखा रहा था। शेष दर्शन जैसे श्रीमान शेष बारर श्रीमान छोटा जादूगर देखी रास्तार ऊर खेल देखुआसिले। श्रीमान के साथ ही छोटा जादूगर घर पर गया। श्रीमान छोटा जादूगर घर ले गए और घर पर जाने के कुछ समय के बाद ही उसकी माँ की मृत्यु हो गई और घर ले जा किसु समय पीछते माकर मृत्यु। नेक्स्ट प्रश्न सम्यक उत्तर दो। श्रुति के उत्तर दिखे गई बाबू जयशंकर प्रसाद की साहित्यिक देन का उल्लेख करो। बाबू जयशंकर प्रसाद और साहित्यिक जी साहित्यिक दान आगे हिंदी साहित्य विषय उल्लेख कर
बाबू जयशंकर प्रसाद ने कलाधर नाम से साहित्यिक जीवन का आरंभ किया था। बाबू जयशंकर प्रसाद कलाधर नामे साहित्यिक जीवन आरंभ होने कर प्रसाद जी सायावादी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए। तेर सायावादी काव्यधारार प्रतिनिधि कवि रूप प्रतिष्ठित होती। उनकी काव्य रचनाएं हैं उर्वशी, बनमिलन, प्रेम पथिक, करुणालय आदि। तेर काव्य रचना समूह हल उर्वशी, बनमिलन, प्रेम पथिक, करुणालय आदि। उनके महाकाव्य है लहर और कामायनी। तेर महाकाव्य दुखन हल लहर और कामायनी। उनके द्वारा विरचित नाटक है एक खूंट, कामना, चंद्रगुप्त स्वामिनी। तेर द्वारा रचित नाटक समूह हल एक खूंट, कामना, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। कंकाल, तितली, इरावती आदि उनके द्वारा विरचित निबंध है। तेर द्वारा रचित रचना समूह से कंकाल, तितली, इरावती आदि। यह तुम लोग चाहा कि रचना करें महाकाव्य नाटक रचना काव्य आदि रचना करें। यार उपरी प्रसाद जी ने लगभग 70 कहानियां हिंदी को भेद की है। प्राय 70 कहानी हिंदी दान करिसे। यह कहानियां छाया, प्रतिनिधि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल आदि संग्रह में संकलित है। ये कहानी समूह छाया, प्रतिनिधि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल आदि संग्रह करा आछे। उनके प्रथम कहानी ग्राम 1911 इनमें इंदु नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तेर प्रथम कहानी तो नाम आसे ग्राम और हेतु प्रकाशित होइसिले 1911 सन इंदु नामक पत्रिका। तो हिंदी प्राय 70 कहानी दिसिले और हे कहानी समूह चाया, प्रतिनिधि ये संग्रह कर प्रथम कहानी तो आसे ग्राम 1911 सन इंदु नामक पत्रिका ये प्रकाशित होइसिले। नेक्स्ट प्रश्न, छोटे जादूगर के मधुर व्यवहार एवं स्वाभिमान पर प्रकाश डालो। छोटा जादूगर स्वाभिमान और मधुर व्यवहार ऊपर लिख दिसे। श्रीमान जब पहली बार छोटे जादूगर से मिले थे तभी उस छोटे जादूगर के प्रति आकर्षित हुए थे। लिखक के जितिया प्रथम बार छोटा जादूगरक लोग पाइसिले तेतिया तेर प्रति आकर्षित होइसिले। छोटे जादूगर के मधुर व्यवहार ने ही श्रीमान को उनके प्रति आकर्षित किया था। छोटा जादूगर मधुर व्यवहार श्रीमानक तेर प्रति आकर्षित करिसिले। प्रत्येक बार उस 13 वर्ष के बच्चे ने श्रीमान को बाबूजी कहकर बुलाया था। प्रति बारे 13 वर्षीय लड़ाजने श्रीमानक बाबूजी बुली कय मातिसिले। श्रीमती जी भी छोटे जादूगर के व्यवहार से प्रभावित हुए थे और उनकी खेल देखने को राजी हुए थे। श्रीमतियों व्यवहार मोहित होइसिले और खेल सबले विचारिसिले। नेक्स्ट, इतनी छोटी उम्र में ही छोटा जादूगर का हृदय स्वाभिमान से भरा हुआ था। इमान कम वयसते छोटा जादूगर हृदय स्वाभिमान भरी आसिले। उसने कभी भी किसी से कोई सहायता नहीं ली। तो केतियाओ कारो पर एको सहाय लुआ नासिले। सड़क के किनारे खेल दिखाकर उसे जो पैसे मिला उससे ही अपनी माँ का इलाज किया। रास्तार ऊर खेल देखुए जी पैसा पासिले हेई पैसारे कि करिसिले माकर चिकित्सा करिसिले। आगरखानी आम मधुर व्यवहार विषय लिखिल ये स्वाभिमान विषय लिखी जीखी पैसा पासी सीखी पैसा माकर बेमार कारण तो बेलेगर पर पैसा विचरा ना। आज भिडिओ तो यह नेक्स्ट जीखी प्रश्न उत्तर आए मैं नेक्स्ट भिडिओ दी चेस्ा करण भिडिओ बहुत बेसि दीघल से जो तुम लोग भिडिओ भल पासा तैक करा क्या बुझी नोपा थे कमेन्ट बक्स सुधा तुम लोग बंधु बान्धवी सकते शेयर करा और मोर चेनेल सबसक्राइब कर नपहरबा। धन्यवाद।